नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बी हीरो ऑफ इंग्लिश क्लासेज के प्रीपोजिशन नामक टॉपिक की कड़ी में पार्ट टू एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम प्रीपोजिशन में आज आपको दूसरा एपिसोड में लिए आए हैं, यह भी बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए और साथ ही जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये दूसरा एपिसोड भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब और देर ना करते हुए पार्ट टू की भी शुरुआत करते हैं, प्रीपोजिशन के पार्ट टू को जानते हैं। हम अभी 10वें नंबर से सीखें, उससे पहले एक ज़रूरी बात यहाँ देख लेते हैं, इस चीज़ को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप प्रीपोजिशन का पार्ट वन पढ़ रहे थे तो उस समय आपने सबसे पहला वर्ड वहाँ देखा था अवेयर। वहाँ पर आपने पाया था जो प्रिंटेड राइटिंग में लिखी हुई थी, वहाँ पर अवेयर मीन्स लिखा हुआ था सावधान होना, जो कि गलत था, ठीक है। बिवेयर मीन्स होता है सावधान होना, ठीक है, जो कि नीचे में था। तो प्रिंट में मिस्टेक हो गए थे, जिसके कारण से अवेयर मीन्स भी सावधान होना और बिवेयर मीन्स भी सावधान होना हो गया था। वास्तव में अवेयर का अर्थ होता है जानकारी होना या परिचित होना। कोई चीज़ से यदि आप परिचित हैं या जानकारी है तो मतलब आप उस चीज़ से अवेयर हैं, ठीक है ना। जैसे आई एम अवेयर डॉट डॉट दिस फैक्ट, मैं इस बात से परिचित हूँ। तो अवेयर के साथ ऑफ लगता है, पता है, और बीवेयर के साथ भी ऑफ लगता है। अवेयर के साथ भी ऑफ लगता है, बीवेयर के साथ भी ऑफ लगता है। बीवेयर मीन्स तो सावधान होना था, मैंने डॉग वाला उदाहरण दिया था ना, और अवेयर का मतलब लेकिन क्या हो जाता है, जानकारी होना या परिचित होना। ये भी अपने साथ ऑफ बोल लेते हैं। तो वहाँ जो अवेयर का मतलब सावधान लिखा हुआ था, सावधान होना, वो गलत है, वो प्रिंटेड गलत हो गए हैं, ठीक है। या अवेयरनेस जानकारी होना या परिचित होना होता है, ठीक है, और ये अपने साथ ऑफ लेता है। बीवेयर की तरह ही ये भी अपने साथ ऑफ ही लेता है, ठीक है। तो चलिए अब जल्द से हम 10वें नंबर को देखते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, 10वें नंबर को देखते हैं, गौर करते हैं। देखिए, किसी डे या डेट के पहले, मतलब क्या, कोई यदि दिन का नाम दिया हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, या फिर कोई डेट दिया हुआ है, 4 अप्रैल, 13 फरवरी, 14 मार्च, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, कोई दिन का नाम दिया हुआ हो या कोई तारीख दिया हुआ हो, और उसमें यदि 4 ऑप्शन दिए गए हों प्रीपोजिशन भरने के लिए, तो दोस्तों जहाँ पर ऑन होगा ना, ऑन, ओ एन ऑन, वही सही ऑप्शन होगा, ठीक है। उसमें सही ऑप्शन क्या भरेंगे, ऑन को भरना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ आपके सामने, जैसे ही विल कम डॉट डॉट मंडे, ही विल कम डॉट मंडे, देखिए दिन का नाम है ना मंडे। ऑप्शन में मान लो दिया हुआ है, एक में इन दिया हुआ है, दूसरा ऑन है, फ्रॉम है, एट है, क्या भरेंगे, ऑन भर लेंगे। ऐसे ही कोई तारीख भी रह सकता है, 4 फरवरी 2020, तो 4 फरवरी दिया हुआ है ना, तारीख दिया हुआ है ना, तो तारीख जब भी आए, डेट, तारीख जब भी आए तो झट से आप ऑन लगा लो। डे जब भी आए, कोई दिन का नाम दिया हुआ हो तो वहाँ भी ऑन लगा लो। दिन का नाम होना चाहिए, दिन का कोई नाम या तारीख का कोई नाम दिया हो तो झट से उससे पहले ऑन लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, आगे बढ़ना चाहिए। कोई टाइम के पहले, जैसे 4 o'clock, ओ क्लॉक मीन्स होता है बजे, पता है, तो ओ क्लॉक, AM PM जैसी बात हो तो वहाँ भी आप एट ही भरेंगे। जैसे ही गेट्स अप डॉट डॉट 4 AM, ही गेट्स अप डॉट डॉट 4 AM, तो 4 AM 4 बजे पूर्वाहन है ना, 4 बजे सुबह के बारे में बात हो रहा है, तो AM PM रहेगा या ओ क्लॉक रहेगा, यानी कि टाइम को बताया जा रहा है। तो AM PM या ओ क्लॉक रहे, यानी टाइम को बताया जा रहा है, आप झट से दोस्तों ऐट लगा लेना। तो टाइम में कौन से टाइम के साथ ऐट लगाइएगा, याद रखिएगा, जब कोई AM हो या PM हो, 4 AM, 5 PM, 6 AM, 7 PM, या टाइम ओ क्लॉक के सेंस में दिया हो, बजे के सेंस में, 4 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, तो वैसी स्थिति में कोई प्रेपोजिशन भरने हो, 4 ऑप्शन दिए हो, तो दोस्तों आपको वहाँ एट प्रेपोजिशन को भर जाना है। कौन सा प्रेपोजिशन भरेंगे, एट प्रेपोजिशन को भरना है। अच्छा चलिए, कोई महीना का नाम दे दिया, मंथ, कोई महीने का नाम दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 12 महीने ना, कोई भी महीने का नाम मान लो डाल दिया, तो वहाँ इन भरा जाता है। ईयर, कोई वर्ष का नाम, अभी जैसे 2019 चल रहा है, 2020 रहे, 2018 रहे, 2017 रहे, 1999 रहे,
2025 रहे, ये सब वर्ष है ना। तो वर्ष का कोई नाम हो या कोई महीना का नाम हो तो वहाँ इन लगता है दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए तारीख दिया हुआ था इसमें, जैसे तारीख दिया हुआ था, मान लीजिए मुझे कहना है 4 अप्रैल 2019 तारीख है, तब यदि ईस्वी है तब तो आपको ऑन लगाना पड़ेगा, तारीख हो तो ऑन लगाओ। लेकिन सीधे यदि कोई वर्ष है दिया हुआ 1990, 2019, 2020 तो इन लगता है दोस्तों। महीना का भी नाम कोई हो, जनवरी फरवरी से कोई भी, 12 महीने में से कोई, तो इन लगा रहे जी, ठीक है। झटपट में बढ़ते हैं, हमने बहुत सारा समय इन चीज़ों को समझने में गुजार दिए हैं, तो आइए 11वां पड़ाव पर हम पहुँचते हैं और इससे भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, रीजन मीन्स कारण होता है, रीजन मीन्स कारण, और कॉज का अर्थ भी होता है कारण। लेकिन यदि सेंटेंस में रीजन मिले तो आपको ऑप्शन में ऑफ को चुनना है, जबकि कॉज मिले तो उसमें फॉर लगाना है, ये याद रखिए। रीजन के साथ ऑफ और कॉज के साथ फॉर लगते हैं। अगला है सरप्राइज या सरप्राइज्ड रहेगा, आश्चर्यचकित होना या आश्चर्यचकित करना या आश्चर्यचकित, तो इसके लिए, या फिर एस्टोनिश्ड वर्ड हो, आश्चर्यचकित हो जाना, हक्का बक्का हो जाना। इसके अलावा एक वर्ड स्टार्टल भी है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, स्टार्टल भी एक वर्ड है, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड अमेज्ड है, AMAZED, अमेज्ड या स्टार्टल्ड, तो स्टार्टल्ड या अमेज्ड हो तो उसके साथ, या फिर शॉक्ड वर्ड आए, सदमा में आ जाना, है ना। लाफ, एम, सबके हिंदी सामने में है, देख रहे हैं ना। लक्ष्य करना या लक्ष्य साधना, है ना। वैक्स, तंग करना, या शार्प, ब्राइट या गुड। वैसे तो शार्प मीन्स होता है तेज, जब कोई चाकू तेज हो तो कहते हैं हम चाकू शार्प है, नहीं तो ब्लंट है, भोतरा है। ब्राइट मीन्स चमकीला भी होता है, माहिर या तेज भी होता है। गुड मीन्स अच्छा तो होता ही है, तेज या माहिर कोई यदि है किसी चीज़ में तो उसके लिए भी गुड का यूज होता है। तो ये सब वर्ड में से यदि यहाँ से यहाँ तक में कोई वर्ड यदि आ जाए और वहाँ यदि कोई प्रेपोजिशन पढ़ने हो दोस्त, तो ये देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, क्या देख पा रहे हैं, एट। सो ही इज गुड डॉट डॉट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में निपुण है, माहिर है, तेज है, तो क्या लगाना जी, एट लगाना है, ठीक है। तो वहाँ पर गुड मीन्स हो जाएगा तेज, ठीक है। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, याद रखिएगा, इतने वर्ड को ध्यान में रखिएगा। ये जितने वर्ड है यहाँ से देखिए, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लीजिए, ये सरप्राइज से देख लीजिए, यहाँ से ये जो जितने वर्ड है ना, इसके साथ यदि कोई प्रपोजिशन पढ़ने की बात आ जाए, एट, इन, ऑन, फॉर वगैरह लगा हुआ हो, 4 ऑप्शन हो, तो हमें एट वाले ऑप्शन को चुन लेना है, तो हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। आते हैं 13वें पड़ाव को देखते हैं, 13वें पड़ाव पर पहुंच जाते हैं हम लोग। कंग्रेचुलेट ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पष्ट करके मैं बता दूं, CONGRATULATE, कंग्रेचुलेट, बधाई देना। किसी की शादी पर हम उसे बधाई देते हैं, मुबारक देना, मुबारक देते हैं। कोई किसी चीज़ में विजय प्राप्त करता है तो उसमें हम उसे कंग्रेचुलेशन देते हैं, तो कंग्रेचुलेट वर्ड जब भी मिले, बधाई देना, तो ये वर्ड अपने साथ ऑन लेते हैं, अपॉन भी लगते हैं। यदि ऑप्शन में ऑन नहीं हो तो आप अपॉन लगाएं, वैसे सामान्य तौर पर कंग्रेचुलेट के साथ ऑन ही लगा करते हैं, याद रखना होगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में ये सब सारे वर्ड, तो स्मरण रखें, ये सब पूरे गेस हैं एक तरह से प्रेपोजिशन का। डिपेंड, डिपेंड मीन्स होता है निर्भर होना या निर्भर करना, या आश्रित होना या आश्रित रहना, ठीक है। तो डिपेंड वर्ड जो है अपने साथ ऑन या अपॉन लेते हैं, डिपेंड के साथ मुख्य रूप से अपॉन लगता है, लेकिन मान लो यदि अपॉन ऑप्शन हो ही नहीं तो वैसी स्थिति में आप ऑन लगा लेना चाहिए, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन अपॉन ज्यादा श्रेयस्कर होगा, अपॉन लगाना ज्यादा बेहतर होगा। अगला वर्ड है क्लाइम, CLIMB, CLIMB, इसमें बी अंडरस्टूड है, साइलेंट है, छुपा हुआ है, क्लाइम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्लाइम मींस होता है चढ़ना, ये अपने साथ ऑन या अप लेते हैं दोस्तों, इसके साथ अप ही लगाए जाते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए अप ऑप्शन हो ही नहीं तो ऑन लगा दीजिएगा। अभी हालिया परीक्षाएं हुई थी इंटरमीडिएट की, तो उसमें क्लाइम वर्ड डाल दिया गया था और ऑप्शन में अप डाले ही नहीं थे, एक ऑन ऑप्शन डाला हुआ था, अब अप डाला ही नहीं है तब तो ऑन डालिए, अन्यथा क्लाइम के साथ अप लगा करते हैं, चढ़ना, है ना। कोई पेड़ पर चढ़ना वगैरह होता है ना, कोई सीढ़ी है लकड़ी का, लोहे का, वो सब पर चढ़ना जो होता है, तो वो चढ़ना क्या कहलाता है, क्लाइम कहलाता है, ठीक है। अब है रिलाय, एक वर्ड है, निर्भर होना या निर्भर करना, तो रिलाय अपने साथ ऑन वर्ड लेते हैं, ठीक है। रिलाय वर्ड से ही एक वर्ड रिलायंस बना हुआ है, मतलब होता है भरोसेमंद, है ना,
भरोसेमंद होता है, थोड़ा सा मीनिंग चेंज हुआ, लगभग इसी से मिलता जुलता वर्ड है, रिलाई से ही बना है रिलायंस, तो रिलाई में होता है निर्भर होना, ठीक है, तो ये अपने साथ ऑन लेता है रिलाई वर्ड। चलिए 14वें को देखते हैं, 14वें नंबर पर पहुंच गए हम लोग, डील। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डील वर्ड, ध्यान से सुनिए। डील मीन्स होता है व्यापार करना, ठीक है, एक अर्थ डील का ये हुआ, व्यापार करना। डील का एक और अलग जो मीनिंग है वो है व्यवहार करना, या वर्ताव करना, या निपटना, या सुलझाना, ठीक है। तो जब कोई व्यापार करने की बात लगे सेंटेंस से, तब तो ऑप्शन में आपको इन चुनना है, लेकिन जब लगे कि व्यवहार करना, बर्ताव करना, या निपटना, या सुलझाना जैसा भाव निकल रहा है, तो वैसे स्थिति में डील के साथ आपको प्रपोजिशन के तौर पर ये देखिए विद लगाना है। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी परोसी देता हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल छत बिछत हो जाए, आपकी समस्याएँ बिल्कुल आपकी आंखों से ओझल हो जाए। जैसे आई डील डॉट डॉट वेजिटेबल्स, मैं सब्जी का डील करता हूँ। सोचिए क्या लगना चाहिए, व्यवहार करना सूट कर रहा है, या व्यापार करना सूट कर रहा है वेजिटेबल्स के साथ। दोस्तों आप समझ गए होंगे, व्यापार करना आपको लग रहा है ना, व्यापार करना ज़्यादा फिट बैठ रहा है, तो बस सेंटेंस से पता चल जाता है। आप वहाँ इन जड़ दीजिएगा, इनको लगा दीजिएगा, लेकिन जब व्यवहार करना, बर्ताव करना, या निपटना, सुलझाना जैसी बात हो, है ना, निपट लेना, तो वहाँ पर डील के साथ विद लगाना पड़ेगा। जैसे 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 कि डोंट टीच मी, मुझे सिखाओ मत, मुझे पढ़ाओ मत, आई बेटर नो हाउ टू डील विद गेस्ट्स, मुझे समझाओ नहीं, मैं बेहतर समझता हूँ कि मेहमानों के साथ कैसे व्यवहार करें, ठीक है। तो यहाँ पर गेस्ट हो गया, तो अब गेस्ट में तो व्यापार करना वाली बात है नहीं, तो व्यवहार करना हो जाएगा, डील हो जाएगा, है ना। तो आप समझ रहे होंगे बातों को। जैसे एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, जैसे एक प्रॉब्लम है, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इस सिचुएशन, इस स्थिति को कैसे निपटूं, इस स्थिति से कैसे निपटूं। आप सिचुएशन से व्यापार थोड़ी करोगे, निपटोगे ना, तो सेंटेंस में भाव पता चल जाएगा और उस हिसाब से भी लगा देंगे। दोस्तों इसे छोटे तौर पर समझ लो, कोई आइटम होगा ना, कोई सामान सबका नाम, वेजिटेबल्स, राइस, पल्स वगैरह, अकड़ बकड़ समझ लेना, तो व्यापार करने की बात हो रही है, डील लगा लो, इन अपने साथ लगा लेगा डील, ठीक है, इन ऑप्शन डाल देना, अन्यथा बाकी स्थितियों में आप प्राय डील के साथ वित लगाते चलो, ठीक है। चलिए 15वें नंबर पर पहुंचते हैं, एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है अलग रखना, दूर रहना, परहेज करना, अलग रहना, ये सब एब्सटेन का मतलब होता है, ठीक है। और ये वर्ड जो है ये अपने साथ फ्रॉम लेता है, देखिए ऐसे ही एस्केप मिस होता है निकल भागना, ये फ्रॉम लेता है। डिबार, वंचित करना कोई चीज को, किसी को कोई चीज से वंचित कर देना, है ना, डिबार, अलग रखना, इसका मतलब है डिबार, तो फ्रॉम लगता है। एबसेंट, ये भी अपने साथ फ्रॉम लेता है, अनुपस्थित, ठीक है। ऐसे प्रिवेंट भी हो सकता था, मतलब रोकना, है ना, प्रिवेंट करना, रोकना, या परहेज करना, प्रिवेंट, तो वो भी अपने साथ फ्रॉम ही लेता है, ठीक है। तो एब्सटेन में होता है परहेज करना, दूर रखना, अलग रहना, है ना। जैसे आई एब्सटेन डॉट डॉट ड्रिंकिंग एल्कोहल, मैं शराब पीने डॉट डॉट से दूर रहता हूँ, है ना, दूर रहना, अलग करना, है ना। तो क्या लगेगा ऑप्शन, अब बताइए आप मुझे, चार ऑप्शन रहेंगे तो क्या ऑप्शन चुनोगे, मुझे यकीन है आप फ्रॉम लगाएंगे। बार बार इन वीडियोज़ को देखिए, एब्सेंट के साथ फ्रॉम लगाइए, प्रिवेंट भी रहता है तो फ्रॉम लगाते हैं, डीवार के साथ फ्रॉम लगेगा, स्केप आए तो फ्रॉम लगाइए। तो मुझे यकीन है आप जरूर इन चीज़ों को लगा पाएंगे। थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, ये डील है वर्ड एक मेरे साथ, डील, तो डील में व्यापार करना भी होता है, और एक मीनिंग है व्यवहार करना, बर्ताव करना, या निपटना। तो कोई सामान, कोई आइटम्स, कोई कमोडिटीज हो, है ना, कोई आर्टिकल है, कोई सामान है, तो इन लगा लो, बाकी स्थितियाँ हो तो विद लगा लो, ठीक है। अब जैसे मैंने इससे पहले एपिसोड में आपको दिखाया था, अगले इससे पहले के प्रपोजिशन में वाला जो फर्स्ट एपिसोड था, उसमें आपको मैंने जैसे एक वर्ड दिया था ब्लाइंड, ब्लाइंड में आपने देखा था, ब्लाइंड के साथ मैंने आपको कहा था आई रहे आँख, तो टू लगाना है, यही कहा था क्या, या ऑफ कहा था, क्या लगाया जाता है ब्लाइंड के साथ। दोस्तों
आपको ब्लेंड के साथ ऑफ लगाने के बारे में कहा गया था, ठीक है, जब आय दिया हुआ हो तो, और बाकी चीज़ें हो तो आप टू लगाइए। तो वही बात यहाँ भी है, ब्लाइंड के साथ जब आई हो तो क्या लगाना था, ऑफ लगाना था, बाकी चीज़ें हो तो टू लगाया जाता है। तो यहाँ भी कोई समान सबका नाम हो तो डिल के साथ इन लगाओ, अन्यथा डिल के साथ विद लगाओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को बहुत खूबसूरती से समझ पाए होंगे। यदि आपको इससे संबंधित और भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, मैं जल्द ही आपके लिए प्रीपोजिशन का थर्ड पार्ट ला रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा, थर्ड पार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। आपने यदि अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों क्यों रुके हो, इतनी कुछ सीखने के बाद आप भी तो कम से कम सब्सक्राइब कर लो। गॉड ब्लेस।